हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्रीराम लर्निंग क्लासेस। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर 2008 के पेपर को। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू राधा कृष्णन कमीशन द एम ऑफ हायर एजुकेशन इज। राधा कृष्णन कमीशन के अकॉर्डिंग जो एम है वो हायर एजुकेशन का क्या है? कि डेवलप करना डेमोक्रेटिक वैल्यू, पीस एंड हार्मनी, डेवलप करना ग्रेट पर्सनैलिटीज हु कैन गिव देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्री एंड द कॉमर्स, बोथ ऑफ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। राधा कृष्णन कमीशन के अकॉर्डिंग हायर एजुकेशन का एम क्या है? कि डेवलप करना डेमोक्रेटिक वैल्यू, पीस एंड द हार्मनी, और ग्रेट पर्सनैलिटीज को डेवलप करना जो कि कॉन्ट्रीब्यूट करे पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में। देन आंसर इज बोथ ए एंड बी एंड आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेशनल म्यूजियम एट द न्यू दिल्ली इज अटैच टू। जो नेशनल म्यूजियम है वो कहां पर है? न्यू दिल्ली में। और वो किससे अटैच है बताओ? दिल्ली यूनिवर्सिटी से, ड्यूड यूनिवर्सिटी है, या सबॉर्डिनेट ऑफिस ऑफ द जेएनयू, पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर। इसका आंसर क्या होगा? जो नेशनल म्यूजियम है न्यू दिल्ली के अंदर वो किससे अटैच है? पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड द कल्चर। किसका पार्ट है वो? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड द कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैच करना है नेशनल लॉ ऑफ इंस्टीट्यूशन का है इंडियन। देखो इसी से पता चल जाएगा, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। जून 2008 के क्वेश्चन जब हमने डिस्कस किए तब मैंने बताया था कि IIAS का लोकेशन कहाँ है? शिमला में। ठीक है, अब देखो बी का सेकेंड कहाँ पे है, वो ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब इनमें से है ए और बी में से, उसमें से आप चेक कर सकते हो कि मेरा क्वेश्चन कौन सा ठीक होगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट आना चाहिए बी का। फर्स्ट, बी का फर्स्ट कौन सा है? शिमला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इलेक्शन ऑफ रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज आर कंडक्टेड एंड अल्टीमेटली सुपरवाइज्ड बाय। जो इलेक्शंस हैं ऑफ रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज आर कंडक्टेड। ठीक है, रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज इलेक्शन कंडक्ट करा रही है, अल्टीमेटली वो सुपरवाइज कौन कर रहा है? बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कंसर्न रिटर्न ऑफिसर। कौन कर रहा है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, किसके अंदर सुपरवाइज हो रही है? स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंदर। नेक्स्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है? एजुकेशन एक सब्जेक्ट है किसका? कॉन्करेंट लिस्ट का, ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। ये तो ठीक है क्वेश्चन, ये ऑप्शन ठीक है फर्स्ट को। नेक्स्ट, यूजीसी कैसी बॉडी है? एक स्टेचुरी बॉडी है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट, जो पेटेंट है या इन्वेंशन है, डिजाइन है, कॉपीराइट है या ट्रेडमार्क है या सब्जेक्ट है कॉन्करेंट लिस्ट के? नो, दिस इज रॉन्ग। इंडियन काउंसिल फॉर ऑफ सोशल साइंस रिसर्च इज ए स्टेचुरी बॉडी एंड रिलेटेड टू रिसर्च इन द सोशल साइंस, ये करेक्ट है। देन ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ए बी और डी तो करेक्ट है लेकिन सी करेक्ट नहीं है, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? सी। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द दिसंबर 2008 क्वेश्चंस। आइए एक बार कंप्लीट रिवाइज करते हैं क्या क्या हमने इस लेसन में पढ़ा। फर्स्ट, राधा कृष्णन कमीशन का एम ऑफ हायर एजुकेशन क्या है? राधा कृष्णन कमीशन का मतलब है कि डेवलप करना डेमोक्रेटिक वैल्यू, पीस एंड हार्मनी, डेवलप करना ग्रेट पर्सनैलिटी जो कि कॉन्ट्रीब्यूशन करता है पॉलिटिक, एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। नेक्स्ट, नेशनल म्यूजियम एट द न्यू दिल्ली वो किससे अटैच है? वो अटैच है पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड द कल्चर। नेक्स्ट, ये हमारे को चार इंस्टीट्यूशन दे रखे हैं, उनके लोकेशन बताने हैं। हमने पहले याद था हमारे को कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी कहाँ पर है? शिमला में। तो शिमला में है तो इससे हमें डी का पता लग गया कि हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है हमें कि नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? वो हैदराबाद में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी कहाँ है? शिमला में। नेशनल जुडिशियल एकेडमी कहाँ पर है? भोपाल में। नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूशन कहाँ है? नागपुर में। नेक्स्ट, इलेक्शन ऑफ रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज आर कंडक्टेड एंड अल्टीमेटली सुपरवाइज्ड बाय।
किसके थ्रू सुपरवाइज की जाती है? थ्रू द स्टेट इलेक्शन कमीशन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है? एजुकेशन एक कंकरेंट लिस्ट में आता है, ठीक है। यूजीसी एक स्टेचुरी बॉडी है, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च एक स्टेचुरी बॉडी है जो कि रिलेटेड होती है रिसर्च इन सोशल साइंस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द दिसंबर 2008 क्वेश्चन। नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करेंगे 2009 के क्वेश्चंस को। थैंक यू एंड बाय बाय। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, एंड कोई भी क्वेरी हो तो उसे भी आप अपना पूछ के कमेंट में सॉल्व करा सकते हैं। थैंक यू।